हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मोबटेक्स। दोस्तों, ऐप्स मोबाइल की जान होती है। बिना ऐप्स के हमारे मोबाइल में समझ लो कुछ भी नहीं है। पर दोस्तों, ये ऐप्स ही आपके लिए परेशानी का सबक बन सकती है, मुसीबत बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं और कुछ बैंड हैं, इलीगल हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ पाँच ऐप्स के बारे में आज बताऊँगा जो इलीगल है पूरी तरीके से, जिनको आपको गलती से भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली जो ऐप है वो है ब्लैक मार्ट अल्फा। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम में भी ब्लैक है और काम में भी इसके ब्लैक है। तो दोस्तों, ये जो ऐप है मतलब प्ले स्टोर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें आपको प्ले स्टोर के सारे ऐप्स मिल जाते हैं और इसका जो लीगल काम है वो ये है कि इसमें आपको आप पेड ऐप्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें पेड ऐप्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये इलीगल चीज़ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे आपको वीडियोज़ में आपको दिखाते होंगे, बताते होंगे कि पेड ऐप्स को फ्री में कैसे डाउनलोड करें, तो उसमें वो लोग इस टाइप के ऐप का रिव्यू करते हैं, इस टाइप के ऐप के बारे में बताते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि ये अगर ऐप से अगर आप कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। तो दोस्तों, इस टाइप के ऐप का यूज ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ऐप की ओर। तो दोस्तों, अगला जो ऐप है वो है स्पूफ ऐप। दोस्तों, ये ऐप एक बहुत ही नालायक किस्म का ऐप है, मैं आपको बता दूं। इसमें आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं, अगर सामने वाले को कॉल कर रहे हैं तो आप वॉइस को चेंज कर सकते हैं। इसमें मैन, वुमेन, नॉर्मल, मतलब अलग अलग तरीके की वॉइस आपको इसमें देखने को मिल जाती है। प्लस इसमें अगर आप सामने वाले को कॉल कर रहे हैं तो आप अपना कॉलर आईडी छुपा सकते हैं, मतलब अपना नंबर छुपा सकते हैं। आप जो चाहे वो मन चाहे नंबर से आप फ़ोन कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के सामने वाले को जैसा चाहें वैसा हैरान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए और इस टाइप की ऐप का भी यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये भी ऐप आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ऐप की ओर। दोस्तों, हमारा जो अगला ऐप है, मैं आपको बोलूं ये कोई पर्टिकुलर एक ऐप नहीं है, ये बहुत सारे ऐप्स हैं। एक्चुअली ये जो VPN ऐप होते हैं, VPN ऐप पूरी तरीके से, मतलब आपको बता दूं कि ये ऐप्स तो गलत नहीं है, बट इनका जो यूज होता है VPN ऐप का, वो गलत कामों के लिए होता है। जैसे कि अगर आप कोई एक VPN ऐप डाउनलोड करते हैं और इसका यूज करते हैं, तो ये क्या करता है कि अगर आपके आपके कंट्री में, आपके एरिया में कुछ भी चीज़ अगर बैंड है, कुछ भी चीज़ अगर बैंड हो गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप दूसरी कंट्री का आप आईडी लेके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे आप देखेंगे इंडिया में टोरेंट बैन है, तो आप VPN के थ्रू टोरेंट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप VPN के थ्रू यूज कर रहे हैं या फिर कैसे भी यूज कर रहे हैं, अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप पकड़े जा सकते हैं। तो इसमें बहुत ही खतरा है। VPN ऐप अगर एक सही इस्तेमाल करो सही चीज़ के लिए तो काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप कुछ गलत चीज़ के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है और इससे आपको खतरा भी हो सकता है। तो आप इस तरीके के ऐप्स का यूज कीजिए, बट सही कामों के लिए। ऐसा नहीं कि अगर आपकी कंट्री में कुछ चीज़ बैंड है या फिर कुछ गलत चीज़ आप इसके थ्रू करना चाहते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप दूसरे कंट्री के अगर आप IMEI एड्रेस वगैरह आप ले लेते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि इससे आप पकड़े नहीं जाएंगे। आप साफ साफ पकड़े जाएंगे और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में यही सब लिखा रहता है, बताता है। तो दोस्तों, इस टाइप की ऐप का आप सही काम में यूज कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ऐप की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली ऐप है वो है वाईफाई किल। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेशरम किस्म की ऐप है, मैं आपको बता दूं, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। तो इस ऐप के कारनामे क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये ऐप क्या करती है। अगर किसी ने आपको आपका पासवर्ड दिया है, आप उसके वाईफाई से कनेक्ट हैं, तो आप इसके थ्रू उसकी वाईफाई से छेड़छाड़ कर सकते हैं, मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं, एक आप खुद ऑनर की तरीके से उसके वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर सामने वाली जिसका वाईफाई है उसको खुद है, मतलब उसके कनेक्शन में प्रॉब्लम डाल सकते हैं, आप किसी डिवाइस को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ काम कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की ऐप्स को प्ले स्टोर में रखा भी नहीं गया है, तो आप भी इस तरीके की ऐप्स को डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से गलत है ये ऐप। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए रूट एक्सेस लगता है, मतलब अगर आपका मोबाइल रूटेड है जब आप इसका यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा कि इस तरीके की ऐप्स से बचें और इस तरीके के ऐप का यूज ना करें। तो दोस्तों, हमारा जो अगला और आखिरी जो ऐप है वो है यू टोरेंट। एक्चुअली दोस्तों, ये ऐप तो बुरा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ये ऐप बदनाम हो चुका है। हकीकत में बोलो दोस्तों, जब से टोरेंट बैन हुआ है
तब से ये ऐप बहुत ज़्यादा मतलब बदनाम हो चुका है। एक्चुअली इसका जो यूज होता था टोरेंट से, जो भी फाइल्स वगैरह डाउनलोड करने में होता था, मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करने में के लिए किया जाता था इसका यूज। बट दोस्तों अगर आप इसका यूज़ सही चीज़ के लिए करते हैं तो ये ऐप गलत नहीं है, ये ऐप किसी तरीके से इलीगल नहीं है। बट दोस्तों अगर आप इसका यूज गलत कामों के लिए करते हैं, एक्चुअली इसका जो यूज़ था ना वो काफ़ी लोग गलत कामों के लिए करते थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप इसका यूज़ सही काम के लिए करते हैं, लीगल काम के लिए करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप इसका यूज टोरेंट्स वगैरह से मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करने में करते हैं, पैड ऐप्स वगैरह सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाउनलोड करने में करते हैं, तो दोस्तों आप ज़रूर पकड़े जा सकते हैं और आपको इसके लिए अच्छा खासी सज़ा मिल सकती है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके का ऐप यूज करें, बट सही काम के लिए, इलीगल काम के लिए नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बेशक एक लाइक जरूर कीजिएगा अपनी तरफ से, नीचे लाइक बटन है उसको जरूर दबाइएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स डेली देखना, डेली पाना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पे दिख गई होगी, एक लाल कलर की बटन, उसको आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड डे एंड टेक केयर।